हेलो व्यूअर्स मैं विराट अरोड़ा करियर काउंसलर आज आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं तो क्वेश्चन ये है क्या पीसीबी वाले स्टूडेंट्स यानी कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स विदाउट मैथमेटिक्स डिफेंस में अपना करियर बना सकते हैं तो आंसर इज अ बिग येस बना सकते हैं दिस इज माई शॉर्ट इंट्रो आई एम विराट अरोड़ा करियर एक्सपर्ट एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट यूपी तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन डिफेंस सिस्टम में टोटल थ्री यूनिट्स हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स दैट इज थल सेना नौ सेना और वायु सेना बायोलॉजी ऑप्ट करने के बाद आप इन तीनों फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे आर्मी की जिन स्टूडेंट्स ने बीडीएस किया है वो आर्मी डेंटल कॉर्प के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने एम किया है वो आर्मी मेडिकल कॉर्प के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें जनरल रैंक कैप्टन का दिया जाता है और बी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें जनरल रैंक लेफ्टिनेंट का दिया जाता है इसके साथ साथ सोल्जर नर्सिंग टीचर इन आर्मी स्कूल लेक्चरर इन आर्मी कॉलेज आर्मी एजुकेशनल कॉर्प जिसको हम इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं जिसमें हवलदार का रैंक दिया जाता है जिन स्टूडेंट्स ने वेटनरी साइंस पढ़ी है वो रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सोल्जर जनरल के लिए भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं होप आपने अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आर्मी के बाद हम बात करेंगे नेवी की तो नेवी में बहुत ज़्यादा तो नहीं बट कुछ ऐसे करियर्स हैं जिनमें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स एंटर कर सकते हैं तो जैसे कि नेवी डेंटल कॉर्प नेवी मेडिकल कॉर्प नेवी नर्सिंग कॉर्प इसके साथ साथ लॉजिस्टिक ऑफिसर जनरल सर्विस ऑफिसर म्यूज़िशियन म्यूज़िशियन जो है जो आर्मी का या जो नेवी का बैंड होता है उसके अंदर वो वर्क करते हैं और एजुकेशनल ऑफिसर के लिए भी नेवी में अप्लाई किया जा सकता है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के द्वारा अब हम बात करेंगे आर्मी के थर्ड यूनिट एयरफोर्स की एयरफोर्स में भी डेंटल कॉर्प मेडिकल कॉर्प नर्सिंग सर्विस के लिए अप्लाई किया जा सकता है इसके साथ साथ एयरमैन, मेडिकल असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर एजुकेशनल ऑफिसर लॉजिस्टिक ऑफिसर के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है स्टोर कीपर ड्राइवर ग्राउंड स्टाफ और अदर सी और डी ग्रेड जॉब्स भी काफ़ी निकलती हैं आर्मी में और आर्मी की तीनों यूनिट्स में ये जॉब्स निकलती हैं जिनमें ऑलमोस्ट ऑल फील्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूडिंग बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स आर्मी की इन तीनों यूनिट्स में एंटर नहीं कर पाए उनके लिए एक और सुनहरा अवसर है वो आर्मी में नहीं जा पाए तो भी कोई बात नहीं पर वो फिर भी इन डायरेक्ट वे में आर्मी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं और देश सेवा कर सकते हैं तो आर्मी का एक यूनिट होता है जिसको डिफेंस रिसर्च कहा जाता है यह यूनिट डायरेक्टली आर्मी के अंडर तो नहीं आता बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है तो डी आर डी ओ इसको कहा जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी नाइन लेबोरेटरीज़ इंडिया में हैं और इन नाइन लेबोरेटरीज़ में बहुत सारी वैकेंसी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए समय समय पर निकाली जाती हैं तो जो स्टूडेंट्स आर्मी में नहीं एंटर कर पाए बट फिर भी उनकी देश सेवा करने का मन था वो इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं और आर्मी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि आर्मी में जाने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि आर्मी आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है थर्टी डेज एनुअल पेड वेकेशंस देती है जॉब सिक्योरिटी है फिटनेस मेंटेन रहती है रेपुटेशन बहुत अच्छा है आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं तरह तरह के रिवॉर्ड्स हैं एकोमोडेशन फ्री प्रोवाइड होती है मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं इकोनॉमिक प्राइस पर गुड्स अवेलेबल रहते हैं इंश्योरेंस मिलता है और भी हज़ारों बेनिफिट्स हैं आर्मी में ज्वाइन करने के और देश सेवा करने का ये एक सुनहरा अवसर तो है ही थैंक यू